हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके लिए रेस्टोरेंट स्टाइल व्हाइट सॉस पास्ता की रेसिपी लेके आई हूँ, जो जिसे घर में बनाना बिल्कुल ही आसान है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए पास्ता बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम एक पैन में गर्म पानी लेंगे, उसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे और उस पानी में हम 100 ग्राम पास्ता डाल रहे हैं और 1 चम्मच तेल डालेंगे और इसे 7 से 8 मिनट के लिए हम इसे उबाल लेंगे। सात से आठ मिनट में ये अच्छे से पक जाएगा। अब हम इसे निकाल लेंगे अलग बाउल में और इसके ऊपर थोड़ा सा हम ओरिगेनो डाल देंगे। अब हम कढ़ाई में बटर लेंगे थोड़ा सा और इसमें 3 से 4 गार्लिक के टुकड़ों को डाल देंगे। उसके बाद हम 1.5 चम्मच मैदा डालेंगे और इसे लो फ्लेम पर 4 से 5 मिनट तक भूनेंगे। गार्लिक डालने से व्हाइट सॉस पास्ता का टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। अगर आपको पसंद ना आए तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद हम इसमें 400 ml मिल्क डाल देंगे। और इसे लगातार चलाते हुए 6 से 7 मिनट तक पकाएंगे। छह से सात मिनट के बाद ये देखिए किस तरह से हो गया है। अब इसमें हम थोड़ा सा चीज डाल देंगे और स्वाद के अनुसार थोड़ा नमक डालेंगे और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये उबले हुए पास्ता को हम डाल देंगे और 2 से 3 मिनट तक लगातार चलाते हुए इसे पका लेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा ओरिगेनो डालेंगे जिससे इसका स्वाद काफी अच्छा हो जाता है। और हमारा पास्ता बनकर तैयार है। तो चलिए इसकी प्लेटिंग करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।